जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम कर रहे हैं और इस लाइव चर्चा के कार्यक्रम के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है परमात्मा विभक्त है श्रीमद भगवत गीता के ऊपर लाइव चर्चा प्रतिदिन चल रही है और आज का विषय है कि परमात्मा विभक्त है विभक्त होने का अर्थ क्या है परमात्मा विभक्त है कि भक्त है आप कहोगे परमात्मा भक्त क्यों होगा हम लोग भक्त होंगे ना भक्त तो मनुष्य को बनना है और परमात्मा को भक्त बनने की क्या आवश्यकता इसलिए वो विभक्त ही सही है परमात्मा विभक्त है क्या ऐसा कहना उचित है प्रश्न ये उठता है हां भगवान कृष्ण तो कह रहे हैं कि परमात्मा विभक्त है कैसे कह रहे हैं भगवान कृष्ण कह तो जरूर रहे हैं कि परमात्मा विभक्त है लेकिन कैसे कह रहे हैं ये समझना जरूरी है अब समस्या ये है कि विभक्त है और विभक्त का विलोम हो गया भक्त है भक्त है तो अब आप ये बताओ कि परमात्मा भक्त हो पाएगा भक्त तो मनुष्य को बनना है भक्त तो हमें हम लोगों को बनना चाहिए परमात्मा की भक्त क्यों बनेगा तो उसके लिए विभक्त कहना ही उसे ठीक है अगर इस दृष्टिकोण से सोचे लेकिन अगर आप इस दृष्टिकोण से सोचेंगे तो ये जो श्लोक भगवान सोलहवें अध्याय में लिख रहे हैं इसका अर्थ नहीं निकलेगा क्योंकि आप भक्त के वास्तविक अर्थ को नहीं जानते विभक्त के भी अर्थ को नहीं जानते हैं भक्त का मतलब यह नहीं कि परमात्मा से प्रेम कर रहा है भक्ति भजन गा रहा है तो वो भक्त हो गया जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है परमात्मा किस तरह से विभक्त है विभक्त शब्द का अर्थ क्या है भक्त शब्द का अर्थ क्या है देखिए भक्त शब्द का अर्थ है जुड़ना और विभक्त का अर्थ है विभाजित होना अलग अलग हो जाना डिवाइड हो जाना तो भक्त का अर्थ तो जुड़ना है भक्ति मतलब जुड़ना उस पर ब्रह्म से जुड़ने के प्रयास में जब आप लग जाते हैं तब आप भक्त बनते हैं लेकिन अगर वो विभक्त होगा तो फिर जुड़ेगा कैसे अगर वो स्वयं भी विभक्त हो जाएगा तो भक्त का अर्थ आप ये मत सोचिए जो परमात्मा की सेवा में लगा है गुरु सेवा में लगा है तो वो भक्त आदमी है जी नहीं भक्ति मतलब जुड़ना भजन मतलब ध्यान योग भजन मतलब ध्यान करना भजन मतलब ध्यान योग करना और भक्ति मतलब जुड़ना भक्ति तब होगी जब आप जुड़ेंगे तो भक्ति का अर्थ जुड़ने से है अगर कोई जुड़ने की प्रक्रिया में है तो जुड़ रहा है भले उसे दुनिया किसी भक्त के रूप में जाने ना जाने वो एक अलग बात है लेकिन जो जुड़ने की प्रक्रिया में है वो जुड़ रहा है तो जो जुड़ने के साथ है और जुड़ने की प्रक्रिया में है वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा लेकिन अगर परमात्मा स्वयं विभक्त हो जाएगा तो फिर जुड़ना संभव कैसे हो पाएगा क्योंकि तो वो स्वयं अलग रहना चाहता है विभाजित रहना चाहता है तो उससे जुड़ना कभी संभव नहीं हो पाएगा तो फिर परमात्मा विभक्त कैसे है तो इस श्लोक में सोलहवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अविभक्तम चूतेषु विभक्तमीव चितम भूत चा भूतभर्तृच ते ग्रसिष्णु प्रभव च चा। चा भूतेषु विभक्तमी चूतभर्त गेयम ग्रसिष्णु प्रभवष्णुच परमात्मा विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है और जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं अविभक्तम तत् अविभक्तम अविभक्तम च भूतेषु इव च स्थितम वह अविभक्त है उसका कोई विभाग नहीं है विभाग रहित है उसका डिवीजन नहीं हो सकता वह अविभक्त है ना कि विभक्त है वह अविभक्त है वह हमेशा से ही अविभक्त है लेकिन जब आप इन इंद्रियों से संसार को देखेंगे तो आप उसे विभाजित रूप में देखेंगे यह इंद्रियों का दोष है संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है वह अविभक्त इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि परमात्मा तो अविभक्त है ना कि भक्त है परमात्मा तो अविभक्त है वह विभक्त नहीं है वह अविभाजित है उसका विभाजन संभव नहीं है लेकिन फिर भी जब आप इस इंद्रिय जगत में संपूर्ण प्राणियों में उसको देखने की कोशिश करेंगे तो वह विभाजित दिखाई देगा यह इंद्रियों का दोष है वह विभाजित दिखाई देगा और मन में प्रश्न उठेगा अरे इसमें परमात्मा कैसे हो सकता है अरे ये तो सुअर इतना गंदा जीव विष्ठा खाता है इसमें परमात्मा कैसे हो सकता है यह भ्रम पैदा होगा क्योंकि आप इंद्रियों से मात्र समझना चाहते हैं इंद्रिय अनुभूतियों से ही सारा निर्णय लेना चाहते हैं और यहां पर शास्त्रों में जो बातें कही जा रही हैं कुछ और कही जा रही हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अविभक्तम कि पहले तो वह अविभक्त है वास्तव में वह अविभक्त स्थिति में है लेकिन संपूर्ण प्राणियों के भीतर विभक्त रूप से स्थित प्रतीत होता है इसमें भी परमात्मा है अरे इसमें उसमें कहने की कोई मतलब भी नहीं कि इसमें परमात्मा उसमें परमात्मा ये बोलने की जरूरत ही नहीं है वो तो सर्वव्यापी है तो क्या बोलना लेकिन फिर भी लोग ऐसा कहते हैं इसीलिए भगवान कृष्ण यहां पे कह रहे हैं कि अविभक्तम वो अविभक्त होकर भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त रूप में दिखाई देता है इसलिए उसे विभक्त भी कहा जा रहा है कि परमात्मा विभक्त है लेकिन वह जानने योग्य संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला खुद ही तो उसको उत्पन्न करकर तथा भरण पोषण करने वाला और संहार करने वाला भी है सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला भूत भर्तृच तज गेयम ग्र सिु प्रभ भूत भर्त अर्थात भूतों का सभी प्राणियों का भूत मतलब जीव प्राणी उन सबका भरण पोषण करने वाला प्रभ विष्णु अर्थात प्रभाव उद्भव करने वाला उत्पन्न करने वाला ग्रसिष्णु संहार करने वाला भूत भर्तृ तेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च अब वो संहार ये सब करता भी है तो सकाश रूप में करता है डायरेक्टली नहीं कर रहा है ये सब इसलिए आगे अभी भगवान कृष्ण बहुत बड़ी बात लिखेंगे कि वास्तव में सब कुछ कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है तो वह परमात्मा निश्चय ही विभाग रहित है लेकिन संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित प्रतीत तो होता है स्थित है संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह विभाजित होकर प्रतीत तो हो रहा है लग रहा है ऐसा कि ऐसा वो विभाजित है इसमें भी है उसमें भी है वृक्षों में भी है प्रत्येक जीव में भी, भी परमात्मा है तो यह हमें प्रतीत तो हो रहा है यह हमें लग रहा है कि प्रभु जो है भगवान वह जो परमात्मा है वह विभाजित हम उसको इंद्रियों का दोष होने के कारण हम ऐसा अनुभव करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं इसमें भी परमात्मा है उसमें भी परमात्मा है फिर कुछ लोग कहते हैं अरे सूवर इतना गंदा जीव भला उसमें परमात्मा कैसे हो सकता है क्योंकि परमात्मा की वास्तविक स्थिति को हम नहीं जानना चाहते और गीता का कोई एक श्लोक पढ़कर हम निर्णय लेंगे कि परमात्मा ऐसा है नहीं अगर श्रीमद्भगवद गीता का एक श्लोक पढ़कर कोई निर्णय लोगे तो वो श्रीमद्भगवद गीता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और वह कृष्ण भक्ति में भी बाधक है अगर इतना ही भक्त ज्ञान के प्रति जागरूकता है और कृष्ण से अगर आपको प्रेम है तो गीता में सब कुछ पढ़िए हर श्लोक को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिए तब जाकर आपको श्रीमद् भगवद गीता सही तरीके से समझ में आ सकती है नहीं तो श्रीमद् भगवद गीता अर्थ का अनर्थ शायद होता रहेगा तो इसीलिए वह परमात्मा विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है और संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं ठीक संहार करने वाले हैं तो वे परमात्मा विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्ति की तरह स्थित है और जानने योग्य संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा उनका भरण पोषण करने वाला और संहार करने वाला भी है ठीक तो उसी से सब उत्पन्न उस जो अविभाजित परमात्मा है उसी से सब उत्पन्न सब उत्पन्न हो रहा है उसी से सब उत्पन्न हो रहा है तो जब उसी से सब उत्पन्न हो रहा है तो फिर सबका भरण पोषण उसी के माध्यम से होगा जी हां वह चेतना वही तो सब करता है ना करता हुआ भले ही दिखाई देता है लेकिन फिर भी सब करता है क्योंकि प्रकृति को क्रियाशील वही बनाता है लेकिन फिर भी अंततः प्रकृति फिर सब करती है लेकिन अगर प्रकृति को क्रियाशील बनाने वाला वह चैतन्य शक्ति अगर रहे ही ना तो फिर कहाँ से कर पाएगा तो हमें यह विचार भी करना क्योंकि आगे कुछ ऐसी चर्चा होगी जिसमें कि भगवान बहुत ही गुड़ और बहुत ऐसी चर्चा लगी कि एक बात एक जगह तो ये कह रहे हैं कि वह परमात्मा सब कुछ करता एक जगह कुछ और बात कह जा रहे हैं कि नहीं नहीं परमात्मा नहीं करता कुछ भी तो इसीलिए बहुत सारी बातें अब कई लोग ध्यान योग करते हैं तो वो कहते हैं कि अब हमें गीता ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है हम ध्यान योग का अभ्यास भी करते हैं और भगवत गीता पढ़ते हैं तो कई सारे गीता के जो अर्थ हैं वो हमें भली भांति समझ में आते हैं कैसे वो अकर्ता भी है और सर्वकर्ता भी है अकर्ता होते हुए भी, भी सर्वकर्ता है क्योंकि उसमें कर्तापन का कोई भाव नहीं है कोई गुण नहीं है वो गुणातीत है अगर उससे उसके सकाश से हो रहा है तो वो हो रहा है बस विशेष रूप से वो कुछ कर रहा है ऐसा नहीं है तो अपने आप ही जीवों का भरण पोषण उनका उत्पन्न होना भरण पोषण होना और फिर उनका संघाव ई क्रिया चल रही है लगातार ही चले जा रही है और फिर जब हम जीव दृष्टि से इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं तो वह परमात्मा फिर विभक्त भी है विभक्त भी है अर्थात विभाजित है विभक्त है ठीक है तो हमें यह सारी बातें भली भांति विचार करके हमें चलना चाहिए और यदि हम भली भांति विचार करके इसको समझ लेते हैं कि भाई इसमें किस इस ढंग से यह बात कही गई है किस तरह से बात को समझाई गई है तो इसका संशय खत्म हो जाएगा कि परमात्मा विभक्त कैसे है अविभक्त होकर फिर भी विभक्त है और प्रत्येक जीवों का अलग अलग भरण पोषण भी कर लेता है और उनके कर्मों का फल भी उन्हें प्रदान कर देता है तो यह विभक्त कहा गया विभाजित कहा गया संसार के नजरों में वह विभाजित है इंद्रिय दृष्टि में इंद्रिय अनुभूति में वह विभाजित की तरह है लेकिन सत्य है कि वह अविभक्त है सत्य है कि वह अविभाजित है तो यह बात हमें समझना चाहिए और समझकर चलना चाहिए तो चलिए इसी के साथ हम अभी विचारों को विराम की ओर ले जाएंगे और साथ में ध्यान योग का कोर्स 20 अप्रैल से 2023 20 अप्रैल से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है एक महीने के लिए और गाइडेड मेडिटेशन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन स्पिरिचुअल हीलिंग ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप एक ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप हम जुपिटर या सन मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और कांटेक्ट आप करेंगे डिटेल्स लेने के लिए नाइन डबल सिक्स वन एट ज़ीरो टू फोर फाइव नाइन इस नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे इस नंबर पर आप संपर्क कर कर सारा डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं कि आपको अगर ये कोर्स करना है तो कैसे करेंगे और कैसे ज्वाइन करेंगे डिटेल्स प्राकृतिक चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा जो है आज के समय में इसका बहुत ही महत्व है प्राकृतिक चिकित्सा का क्या महत्व है? यह वैकल्पिक चिकित्सा है और यह आत्मनिर्भर बनाती है आप डॉक्टर या फिजिशियन पर निर्भर ना होकर स्वयं पर निर्भर होते हैं बस आपको कुछ जानकारी और कुछ विधियों को सीखना है कुछ टेक्निक्स को जानना है ऐसी टेक्निक्स जो आपके स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकें आपके स, आपको स्वस्थ बना सकें आपके स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकें आपको स्वस्थ बना सकें ऐसी टेक्निक को आपको फॉलो कराया जाता है सिखाया जाता है इसके अंदर तो लगभग 28 वीडियोज में 27 वीडियोज में यह कोर्स चलता है 27 वीडियोस वीडियोज मिलते हैं आपको और कुछ लाइव सेशंस भी मिलते हैं तो ये लाइव सेशन और वीडियोस दोनों मिलते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सही रखें अपने शरीर को सही रखें शरीर संतुलन में रहने से योग में भी हमें सहायता मिलती है लेकिन अगर आप अंग्रेजी दवाइयाँ खाकर सोचें कि शरीर का संतुलन बन जाए तो दूसरी तरफ शरीर का संतुलन भी बिगड़ता है और बहुत महंगी दवाइयाँ और ट्रीटमेंट चिकित्सा ऑपरेशन बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम थोड़ा सा विचार करें और विचार करके ये समझें कि हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है तो जब हम स्वस्थ रहेंगे शरीर से अच्छे रहेंगे संतुलन में शरीर के अंदर कफ वात पित्त का संतुलन बना रहे अगर बढ़ जाएगा तो तरह तरह की बीमारियां होंगी कमर में दर्द होगा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा डायबिटीज हो जाएगा कई तरह की चीजें संतुलन बिगड़ने से ही होता है अगर संतुलन बना रहेगा तो निश्चय ही यह सब अच्छे से रहेगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर से अच्छा ध्यान साधना योग अच्छा होगा तो प्राकृतिक चिकित्सा का भी एक महत्व तो है और भी कई चिकित्सा हैं भविष्य में एक्यूप्रेशर चिकित्सा की भी कोशिश की जाएगी कि इस चैनल के माध्यम से एक्यूप्रेशर की चिकित्सा भी हो सके तो एक्यूप्रेशर की चिकित्सा भी हो सके इसके लिए प्रयासरत रहा जाएगा ठीक है तो अगर इसका एक कोर्स लॉन्च होगा एक्यूप्रेशर के ऊपर ऐसा विचार है और अगर आप एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं ऑनलाइन कोर्स इससे बढ़िया क्या है कि आप ऑनलाइन बहुत सारे टेक्निक्स को सीखें विधियों को सीखें और जानें। तो ऑनलाइन कोर्स जो है एक एक्यूप्रेशर पर आपको शुरू किया जाएगा दिया जाएगा और इस कोर्स के माध्यम से आप बहुत सारी जानकारी एक्यूप्रेशर से ये भी हमें आत्मनिर्भर बनाता है तो जितनी भी स्वास्थ्य के संबंध में आत्मनिर्भर बनाने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे ठीक है उस पर कोर्सेज आएंगी कोर्सेज आपको मिलेंगे तो चलिए भविष्य में इसका थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए जरूर जो है आपको प्राप्त होगा आगे हम अभी बढ़ते हैं और ध्यान योग के साथ साथ फिलॉसफी का भी कोर्स चलता है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दो तारीख से शुरू हुआ है लेकिन अभी भी उसको लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो कर सकते हैं अगले महीने फिर शुरू होगा तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिलॉसफी का भी कोर्स कर सकते हैं तो ध्यान योग का कोर्स प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स फिर ऑफलाइन कार्यक्रम अगर आप वाराणसी में करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर लें नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन आपको ऑफलाइन के लिए भी उसी नंबर पर संपर्क करना है नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन ठीक अगर जीवन संबंधी कोई भी समस्या से आप जूझ रहे हैं परेशान हैं काउंसलिंग चाहते हैं लाइफ कोच लाइफ कोचिंग चाहते हैं आप या फिर बर्थ चार्ट एनालिसिस जन्म कुंडली विश्लेषण चाहते हैं या जीवन की किसी भी समस्या से आप परेशान हैं और किसी भी तरह का विचार चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं सशुल्क वह भी रहेगा और एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है वाराणसी कार्यक्रम के साथ तो जरूर आप उसका लाभ उठाएं चलिए तो इसी के साथ हम आज के विचारों पर विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं 9 पीएम लाइव चर्चा में बहुत बहुत आभार आप सभी का ओम तत्सत